platform. Let's try to solve this question. Okay, so let's read the question. So read the given statements and answer the question. हमें ये statements से रखी हैं, 5 statements. इसमें इनको read करने के बाद हमें find out करना है. ये जो statements है, ये कौन सी class of fungi के बारे में है? And ये statements की characteristic, basically कौन से fungi के class की characteristic से similar है? और वो हमारा और करेक्ट ऑप्शन होगा. सो लेट्स रीड दी स्टेटमेंट्स. इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फंजाई. सो एंड ऑप्शन टू, इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हाइफे दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. सो क्योंकि हाइफे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हैं, सो डेफिनेटली ये फाइकोमाइसिटीज तो नहीं होगी. तो ये ऑप्शन निकल गया यहीं से. कोनिडियोफोर दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन चेन. सो एक्सोजेनसली कोनिडिया है, कोनिडियोफोर प्रोड्यूस होता है, तो ये क्लब फंजाई नहीं है डेफिनेटली. और सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली. सो क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट हैं, तो फंजाई इम्परफेक्टाई विच इज़ ड्यूट्रोमाइसिटीज ये नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती. ड्यूट्रोमाइसिटीज विच इज फंजाई इम्परफेक्टाई, जो नाम भी उसका इसलिए ये रखा हुआ है. सो आंसर हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ चुका है. सिर्फ एस्कोस्पोर से भी पता लग रहा है कि सैक फंजाई क्लास एस्कोमाइसिटीज की बात करिए यहाँ पे, और इसमें एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और एस्को कार्प होती है इसकी फ्रूटिंग बॉडी. सो यहीं से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आता है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज विजिट एंट्रेंस टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज. ऑल द बेस्ट.